हाय, वेलकम टू दास एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का पहला क्वेश्चन है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, होमो जहांगीर बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक चीनी दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसासा द्वीप सागर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज में संबंधित RAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड के चार प्रमुख तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइजक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुपुल जयकर। थैंक यू।